कानपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लाजपत भवन मोती झील में 26 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक आयोजित की जा रही क्राफ्ट रूट्स प्रदर्शनी में प्रतिभाग कर स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए कारीगरों का उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदर्शनी से कारीगरों का उत्साह बढ़ेगा और उनकी कला को सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्राफ्ट हमारी कला है जो लुप्त हो रही है। इस कौशल को बचाने के लिए हम सबको खरीदारी करनी होगी जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने 26 जनवरी को किया था। एक मीटिंग बुलाई गई, महिलाएं आई और हम लोगों ने सोचा कि एक रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसका नाम दिया ग्रामश्री। यहीं कहीं आपने देखा होगा 1992 में ये काम का आरंभ हुआ था और धीरे धीरे करके थोड़ा काम करते गए। फिर मैं राज्यसभा की सभ्य बनी तो काम में जो गति होनी चाहिए नहीं हो पाई, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी बेटी अनार ने वो पिकअप किया। वो पढ़ती थी साथ साथ में सब कुछ काम करते थे और आज 30 साल, लगभग 30 साल पूरे हुए हैं, 30 साल। और 30 साल में 25,000 से ज्यादा आर्टिस्ट को काम देती है एक संख्या 25,000। और इधर जो आए हैं ये भी 10, 15, 20, 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो देश में रोजगार देने वाला एक है कृषि क्षेत्र है और दूसरा एक क्राफ्ट है।